शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वर कन्या आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए और फिर शुरू कीजिए। पंडित जी रुकिए रुकिए, बेटा सुबोध जाओ जाओ जाओ। ठीक बाबा। अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे फेरे थोड़ी होते हैं, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। पंडित जी उस्ताद विश्वास की बेटी की शादी है, मोटरसाइकिल पे फेरे हो गए, मोटरसाइकिल पे। बढ़िया मंत्र। ओ पंडित चुपचाप से शादी करा दे, नहीं अपने बच्चों की शादी कराने लायक ना रहेगा तू। जी फेरे शुरू कीजिए। ओम तदेव लग्नम शुदिनाम तदेव। हिला दो, भून के रख देंगे। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, ये शादी नहीं हो सकती। पुलिस फोर्स जब से ज्वाइन किया है एक बार ये डायलॉग बोलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए निर्दोष भरोसे की धतिया उड़ा दी इसने। तो सब तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे, हमें तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। पर पता है दुख हमें इस बात का नहीं है कि तुमने हमें धोखा दिया, दुख हमें इस बात का है कि तुम जैसे लोगों की वजह से वो लोग सही साबित हो जाते हैं जो इंसानियत और जज्बातों में भरोसा ही नहीं रखते, क्योंकि तुम उन्हें सच साबित कर देते हो और हम जैसे लोग फिर जज्बाती इमोशनल बेवकूफ लगने लगते हैं जो तुम जैसे झूठे लोगों की बातों में आकर तुम्हारी असली मक्कारी का शिकार हो जाते हैं। इस बात का हमें ज्यादा गुस्सा है। ना ना मैडम, ऐसी बात ना है। वैसे आपका नजरिया भी सही है, गलत ना है। मैंने आपके साथ धोखेबाजी की, लेकिन एक बार आप उसकी वजह जान लेंगी ना तो आप समझ जाएंगी कि वो मेरी मजबूरी थी, मर्जी ना थी। धोखा देने के लिए कोई भी वजह मायने नहीं रखती। बिल्कुल ठीक कही मैडम, पर मजबूरी के झूठ का वजन तो कम हो सके ना। और एक बार आप वजह जान लेंगी ना तो मेरा धोखा इतना बड़ा गुनाह ना लगेगा आपको जितना इस वक्त लग रहा। अच्छा मतलब एक और कहानी, एक और प्रपंच, एक और झूठ। हाँ क्या वजह है बताओ। मैडम सर क्या आप भी फिर से। एक मिनट हम बात कर रहे हैं ना, वजह बताओ। मैं बताता हूँ, ये रिमझिम है। मैं और रिमझिम आपस में बहुत प्यार करते और ये मेरे गुरु विश्वास जी की बेटी। क्या? इन्होंने मेरे सामने शर्त रखी थी, अगर मैं इस शहर से 7 दिनों में 7 एक ही कंपनी की बाइक चुरा लूंगा तो ये अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मुझसे गलती हुई मैं मानता हूँ, पर सब फसाद की जड़ यही है। इन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, वरना ये मैं सब बाइक्स नहीं चुरा था। मतलब तुम ये चोरियां जबरदस्ती कर रहे थे? जी गुरुजी। अरे भाई को प्यार दिलान खातिर मैंने मजबूर होकर इसका साथ दे दिया मैडम, पर कसम खा रहे हो मैडम, शादी होने बाद ना मैं खुद को सिलेंडर करने आने वाला था। मैडम जहां बजाय लालच ना है प्यार है। अब फैसला मैडम आपका है, आप इस अपराध को कानून की नजर से देखे हो कि जज्बात की नजर से। लीटर नींबू पानी पीने के बाद भी इनका यही हाल है, बेहोश हुई पड़ी। करीना जी उठिए ना। हाँ पुष्पा जी, क्या बाइक मिल गई? मिल गया? हाँ, क्या बाइक मिल गया? अयो अम्मा, अब मैं थोड़ा रिलैक्स बेहोश होता। चिंता कोई बात नहीं संतु जी, इस बार खुशी के मारे बेहोश हुई है। हमने पहले भी कहा है, मंचा चाहे जो भी हो, कानून की नजर में जो गलत है वो गलत है। हाँ हम ये बात जरूर मानते हैं कि तुम दोनों बालिक हो, एक दूसरे से शादी कर सकते हो और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुमने 6 बाइक्स चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है और तुमने इस गुनाह में इसका साथ दिया है, इसलिए कानून की नजर में तुम दोनों मुजरिम हो। हमारा काम है तुम्हें अरेस्ट करके तुम पर केस फाइल करना, बाकी आगे ऑनरेबल कोर्ट जो सही समझे। बिल्कुल सही फैसला लिया मैडम आपने, मुझे इस पाप की सजा मिलनी चाहिए ताकि मेरी आने वाली जिंदगी इस बोझ के साथ ना रहे कि मैंने इतने सारे पाप किए, और जेल से निकलने के बाद मैं अपने भाई निर्दोष की तरह एक निर्दोष जिंदगी जी सकूं और एक इज्जत के साथ आने वाला समय व्यतीत कर सकूं। मेरे पापा ने जो ये शर्त रखी वो बिल्कुल गलत थी मैडम सर, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था ऐसी वाहियात शर्त रखने के लिए। मैडम सर
मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ, मुझे भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। और पापा आप यही सुखी जीवन के लिए कामना की थी आपने मेरे लिए, आज आपकी जिद की वजह से आपका दामाद जेल जा रहा है। अब बोली कहाँ जाऊं मैं, हर बाप अपनी बेटी को शादी के बाद ससुराल भेजता है, लेकिन आप तो मुझे जेल भेज रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो ऐसे गुनाह के भागीदार हूं ना। चलिए रुक जा बेटा, तू कैसे जाएगी? हाँ गुनहगार तो मैं हूं, आज से ये चोरी सिखाने का कोच बंद बेटा, हाँ और मैं भी अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं, बंद कर दीजिए मैडम मुझे, एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता उसे तुम जेल में होना चाहिए मैडम। माफ करना बेटा, माफ करना मेरे बच्चे। बहुत सुनी थी आपके थाने के जज्बातों की जादू की छड़ी के बारे में मैडम, आज देख भी ली आपने, हमारे पूरे परिवार को सही रास्ता दिखा दिया, आपके लिए मैडम जे तो बने हैं। गैरू, तुमको एप्पल खाना? नो नो, हीट में कुछ नहीं खाना। हीट? हाँ गर्मी लगता। गर्मी लगता? एक मिनट। वाओ बिल्लू बस, तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखते रहो, मैं तुम्हारा लाइफ बनाता। वाइफ बन जाओ, लाइफ बन जाएगी। कुछ बोला? नहीं, वो दिल की अरमान आवाज के जरिए बाहर निकलते रहते हैं। पर तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, मुझे चेन्नई लेके जाना और वहाँ का सुपरस्टार बनाना। ओ यस यस, पक्का बनाना। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ओह माय गॉड। चेन्नई जाता, रजनी सर, कमल सर, प्रभु देवा, चेन्नई में धक्का मारता, ये तो लखनऊ है, मैं लीची जूस लेकर चल निकल, लीची जूस। लगता है इसको भी गलत फहमी हुआ। का हुआ? एक का सोच रही हो? पहचानी नहीं का? अरे हमें हम, वो का कहते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी, लखनऊ में साथ थे ट्रेनिंग में, एक ही क्वार्टर में रहते थे, रमा 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 करू, जिगरी है भाई तुम्हारे, इसको देख रही हो? आई ये हमारा बहुआ है, बहुआ। ये करियम्मा का कोई पुराना फ्रेंड, हाँ किया तो और चिपकेगा और सवाल करेगा, मैं ज्यादा बोला तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो मेरे को समझ रही है मैं वो नहीं, मैं तो डुप्लीकेट, निकल इधर से, कह रही रन रन रन। का हुआ? वो मैं पुलिस ऑफिसर ना, मैं ड्यूटी पर होता, बहुत काम, बहुत वर्क ओवरलोड, आज तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारा बेबी सो क्यूट, बहुत बिजी होता तो मैं बाद में मिलता, बाय। रुके, ये इसका परिचय तो होने दीजिए, हमारा बहुआ है, हम ट्यूशन छोड़ने जाते हैं रोज यहाँ पे सदर बाजार में, 5 बजे जाते हैं रोज। थोड़ा रुक जाओ ना, बात करेंगे, ये पकड़ बेटा। अरे मैं बोला ना मैं बिजी होता, मैं यहाँ बैठ के ये स्टुपिडिटी नहीं कर सकता, अब मैं ड्यूटी पर, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ गॉसिप करूं कि वहाँ जाके क्रिमिनल को पकड़ूं, सोचो, थिंक। ओके बाय, बाद में मिलता। सुनो सुनो सुनो, करू तुम किधर, मैं पार्लर जाके आया, लड़की मेरे को चिपकता, लड़की चिपकता, इरिटेट करता, बार बार फ्रेंड फ्रेंड बोल के मेरा ब्लड पीता, तुम्हारा ब्लड पीता, हाँ,
हाँ, मेरे सलून का अपॉइंटमेंट, तो मेरे जूस लाया? हाँ, लाया ना, जूस लाया। मैं ऑक्सीजन के बिना रह सकता, पर अपना सलून और अपना जूस के बिना नहीं रह सकता। मैं भी ऑक्सीजन बिना रह सकता। चलो चलो चलो। चलो आगे, चलो चलो, तैयार हो जाओ। तो सीन कुछ ऐसा है कि हीरो को कुछ गुंडे पकड़े हुए हैं और फिर एक गुंडा हीरो के ऊपर गोली चलाता है। गोली चलाएगा, हम जाके बचाएंगे और हम घायल होता है ना? नहीं मैडम, गोली आप पकड़ लेती हैं। एक मिनट, नहीं मतलब क्या, गोली पकड़ लेती है मतलब? अरे आप गोली हवा में पकड़ लेती हैं। एक मिनट, पिस्टल से निकली हुई गोली हम हवा में हाथ से पकड़ लेते हैं? नहीं मतलब गोली है कि फिर मच्छर है? ओ कम ऑन कैरी, बिजली रानी के लिए तो मच्छर ही है। हाँ ऑफ कोर्स, बिजली रानी तो कुछ भी कर सकती है। ट्रस्ट मी, बिजली रानी जब गोली पकड़ेगी ना, कितना कन्विंसिंग सीन लगेगा स्क्रीन पे, विजुअल इफेक्ट्स भी है, सब हो जाएगा। चलो टेक करते। नहीं सर, मतलब गोली। मैडम मैडम, मैं हूँ ना द ग्रेट डायरेक्टर यश कपूर। आधी इंडस्ट्री को मैंने स्टार बनाया है, भरोसा रखिए। चलिए टेक करते हैं, तो फिर आपकी एंट्री वहां से होगी, ठीक है? चलो टेक करते हैं, रेडी? चलो चलो, एनर्जी एनर्जी, टेक करते हैं। पोजीशन, कैमरा, एन एक्शन। अरे फर्स्ट एड। एक मिनट, नहीं, हवा में चला ना, तो हवा पकड़ के किसको लगता है, एक्टिंग करना था ना। अरे यार, अरे बेबी समझ नहीं रही हो, चिल्लाना नहीं है। का? बिजली रानी को दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि बिजली रानी के लिए तो ये गोलियां गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन, यू नो? हाँ, गुलाब। हाँ, ये गोली तो विलन के लिए है, तुम्हें गोली को पकड़ना है और विलन की तरफ घुमा करके वापस मारना है, फिर गोली लगेगी इसको और फिर गोली विलन को सीना चीरते हुए निकल जाएगी और विलन डेड। एक मिनट, गोली है वो, गोली होता वो, गोली पकड़ के घुमा के विलन पे मारता और विलन मर जाता, हमको कुछ, हम ये नहीं हो सकता है हमसे, मतलब गोली जब लगता है तो टुकड़ा टुकड़ा होता है हाथ का, कभी खाया गोली हमने, हमें हमें हमसे नहीं हो सकता ये बकवास, हम नहीं कर सकते ये। कपूर, यू डिसाइड फर्स्ट कि करना है शूटिंग या नहीं करना है, ओके? मेरे पास फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ये क्या है बेबी, जब स्क्रिप्ट सुनाया था तो तुमने कहा था माइंड ब्लोइंग, और अब कह रही हो कि ये नहीं होगा बकवास। देखो मैं ये कहना नहीं चाहता, बट तुम्हारा डे बाय डे ये क्रिएटिव इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है। यार मैं डायरेक्टर हूं, हमको हमारा काम करने दो। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है, करना पड़ेगा, वरना तुमको इस फिल्म से निकाल करके किसी दूसरी हीरोइन का ऑप्शन देखना पड़ेगा। 10 मिनट देता हूं, सोच लो फिर बताना, फिर टेक करते। चलो प्यारी करू, बहुत सारे प्यारे पल साथ बिताए हैं पुलिस ट्रेनिंग में, तुम वो सारे पल भूल सकती हो पर हम नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा तुमको अपनी सगी बहन से ज़्यादा समझे रहे, पर आज जिस तरह का रूखा अजनबियों वाला बर्ताव तुमने हमारे साथ मार्केट में किया, अच्छा नहीं लगा हमको। समझते हैं बड़ी पुलिस अधिकारी हो गई हो, व्यस्त हो, अब कहाँ समय होगा तुम्हारे पास हम जैसे पुराने भूले बिसरे दोस्तों के लिए। ये हमारा आखिरी मैसेज है, ऑल दी वेरी बेस्ट, खुश रहो, खूब खूब तरक्की करो, हमेशा तुम्हारा भला चाहने वाली तुम्हारी दोस्त रमा। कहीं ये करीना से तो नहीं मिली? ये करीना से मिली होगी और उसको लग रहा होगा कि हम हैं, पर करीना ने ऐसा क्या कर दिया जो रमा इतना इतना नाराज हो गई है हमसे? हेलो, हम करू बोल रहे हैं। करू, कैसी हो तुम? अच्छा, हम कैसे हैं? सूझ गया तुमको पूछना हम कैसे हैं? क्या कह रही थी बाजार में, हम तुम्हारे गले पड़े जा रहे हैं? नहीं सुनो, मतलब हमें ही पड़ी है, हम ही मरे जा रहे हैं क्यों पूछने के लिए कि तुम कैसी हो, तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है ना कि हम कैसे हैं? अरे भैया अब कहाँ पूछने वाली हो,
पुलिस वाली हो गई हो। एसआई करिश्मा सिंह, लखनऊ का भोकाल। वाह, अब कहाँ पुराने दोस्त तुम्हें याद आएंगे। रखते हैं। रमा रमा रमा, सुन सुन, फोन मत करना फोन। हमने तुम्हें इसीलिए ही फोन किया है, ये बताने के लिए कि तुम जिससे मिली थी वो हम नहीं थे, हमारी जुड़वा बहन थी। जुड़वा बहन? हाँ, वो जो बचपन में थी वो। हाँ, जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था ना कि हमारी जुड़वा बहन है, वही थी, वही तुमसे मिली होगी, हम नहीं थे। अगली हम होती तो तुम्हें गले से नहीं लगा लेते। कितना टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तुम कितना याद आती हो। जान हो बे तुम हमारी, समझी? कहाँ हो तुम अभी? हम आ सकते हैं कि तुम्हारे पास? रमा, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है भाई, जल्दी करो। वो हम जरा बिजी हैं, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सुनो, तुम बहुत नाराज लग रही हो, हमें तुम्हें आके मनाना है, गले से लगाना है, बताओ हम कहाँ मिलने आ सकते हैं तुमसे। हम कह रहे हैं ना, हम बिजी हैं, बढ़ते हैं बाद में। हम नाश्ता करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये तो बताइए आप किससे बतिया रही थी। अरे बबुआ, ये बिल कब भरोगे तुम, बिजली का? अरे अम्मा, भर देंगे, घबराइए मत। अच्छा रमा, तुमने बताया नहीं किससे बतिया रही थी तुम। हैं? फोन पे बतिया रही थी? हाँ। किससे बतिया रही थी, कहाँ बतिया रही थी? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमारी सहेली का फोन था, वो जो लखनऊ में रहती थी ना, अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो बस हमारी तबीयत पानी पूछ रही थी। तबीयत या पानी? तबीयत सासू जी। तो पानी पूछ लेती। सासू जी, पानी का कैसे पूछेंगी फोन पर? पूछना चाहिए ना, बारिश इतनी हो रही है, किसी के घर में पानी घुसा है कि नहीं। सुनिए ना, हमारी सहेली बहुत दूर से आई है, हमसे मिलना चाहती है, आप अगर हमें परमिशन देंगे ना, तो हम बस जल्दी जाएंगे और मिल के आ जाएंगे। अम्मा बताओ, बताओ, बताओ। बताते, बताते, बताते। अरे तुम जल्दी से नाश्ता लगाओ, ऑफिस के लिए निकलना है। अच्छा, वो आपने कहा ना बताते हैं। अरे अम्मा बोली ना पगली, बताते हैं। बताते हैं, ऑफिस के लिए देर हो रहा है, जल्दी से नाश्ता लगाओ ना। चल 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 चल। बहुत नाराज है रमा, और ये सब उस मेले की झांकी की वजह से, उस हीरोइन की वजह से हुआ ये सब। छोड़ेंगे नहीं आज हम उसको, आज हम करेंगे उसका पाकअप। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अयो मा, पुलिस पुलिस पुलिस, बचाओ मेरे को, बचाओ, वो हथियार लेके मेरे को मारने आया। क्या? एक मिनट, एक मिनट, आप एड्रेस बताइए अपना। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। चीते, चीते। का हो गया संतु जी? गाड़ी निकाल फटाफट, इमरजेंसी। अरे का हुआ बताइए, मैं रास्ते में बताती हूँ। का हुआ संतु जी? संतोष शर्मा, अब हमें फोन क्यों कर रही हैं? और मैडम साहब थाने में ही है, मैं तो भूल गई, इमरजेंसी, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, इमरजेंसी। अरे लेकिन कैसे? संतु जी, एक मिनट, आप हमें ये बताइए कि इमरजेंसी क्या? आप जाइए, आप दोनों बाहर जाइए। मैडम सर, एक लड़की का कॉल आया है, उसकी जान खतरे में है। हाँ? क्या? उसने खुद को कमरे में बंद करके रखा है, लेकिन वो कातिल हथियार लेके उसे मारने की कोशिश कर रहा है, हमें जाके उसकी जान बचानी होगी। कौन है, नाम क्या है, उसको पता क्या है? नाम नहीं पता, लेकिन पता है। क्या? एड्रेस है 45/1 मंगल मार्ग, मालवीय नगर। 45/1 मंगल मार्ग, 45/1। अरे ये तो हमारे घर का पता है। क्या? हाँ, मालवीय नगर। फिर तो करीना ने फोन किया है। जल्दीबाजी में आपके समझ में नहीं आया ना? उफ, ये मासूमियत, मासूमियत के रोल मॉडल नहीं है, कोई और है। वो हड़बड़ाहट में उसके एक्शन के बारे में पता नहीं चला, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संतोष जी, होता है, चलिए चलिए। सॉरी सॉरी मैडम, आई आई आई। उफ, पता नहीं कौन से जन्म का बैर निकाल रही है करिश्मा जी उससे। अरे भाई हाँ, हो गई ना गलती, उसकी सजा पूरी जिंदगी भर देगी क्या उससे? पता नहीं अब ये कौन सा नया झमेला खड़ा हो गया है घर में। हमें ना करीना के लिए डर लग रहा है, कहीं करिश्मा जी उसे पीट पिटाना दे। अरे नहीं पुष्पा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह सिर्फ दिखाती हैं कि वो बाहर से बहुत कड़क है, बहुत सख्त है, लेकिन आप भी जानती हैं कि वो अंदर से कितनी नर्म और जज्बाती हैं। वो मानेंगी नहीं इस बात को, लेकिन करीना की सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी को है तो वो करिश्मा सिंह है। और वैसे भी दो बहनों का मामला है ना, निपटा लेंगे आपस में, आप क्यों टेंशन ले रही है? ठीक है, आई इतना स्ट्रेस दे दिया। सासू मैया, बचो, कितना बचोगी तुम? तुम्हारा मार मार के आज मुनी सुझा देंगे ना हम, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, समझी तुम?
आज निकालते तुम्हारा सारा हीरोइन गिरी तुम्हारी तो तुम्हारी तो बहुत बढ़िया चलाओ तुम चक्कू चलाओ तुमको ना ऊपर पहुंचाएंगे हम और सेल्फ डिफेंस का केस बनाएंगे समझे तुम चलाओ चलाओ तुम चाकू से तेज नहीं हो सकता मैं चाकू चलाएगा मैं हर जगह मारेगा तुमको माई अन्ना की स्टाइल में चाकू चलाएगा करीना तुम ठीक हो अयो मैं देखो तुम्हारा वन ब्लड का ब्लड निकल तो मम्मा मम्मा काहे गिगी आ रही हो जरा सा लगा है तलवार आर पार नहीं हुआ और एक तुम टिक के बैठो हमारे सामने तलवार चलाओगी तुम तलवार और तुम्हारा वो क्या करती हो तुम नेल फाइल उसमें फर्क होता है नेल फाइल और तलवार में समझ रही हो एक्शन हीरोइन तुम बनोगी बचपन से ही तुम ऐसी हो एकदम जिद्दी अकल से एकदम पैदल जड़ बुद्धि लगा लिया ना अब खुद को जब नहीं होता है तो काहे फैंटम बनती हो तुम इतना हाँ क्या हुआ आराम नहीं मिला दर्द हो रहा ठीक लगता मौत के कंटाप मारेंगे कॉकरोच की तरह यहाँ फड़फड़ाओगी अभी तुम समझी तो तुम शूटिंग छोड़कर आता तुम वापस जाओ वरना सब गड़बड़ होता नहीं जाएंगे हम शूटिंग पे क्यों क्यों तुम प्रॉमिस किया था ना और तुमने जो प्रॉमिस किया उसका क्या हमारी बचपन की दोस्त के साथ जो तुम इतना रूखा व्यवहार कर आई हो उसका क्या वो मार्केट में मिला था अयो चेपू लेडी चेपू चेपू हमारी बेस्ट फ्रेंड है समझी तुम बचपन से हमारे साथ रही है वो उसने हमारा बहुत साथ दिया है और तुमने क्या किया उसके साथ तुमने हमारे साथ किया होता ना एक बार को हम तुम्हें माफ कर देते लेकिन तुमने हमारी सहेली के साथ जो किया ना उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और इसका सजा तो तुमको अब भुगतना ही पड़ेगा समझी